हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं आपका शेयर करूंगी ट्राउज़र का बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन। आप इस डिज़ाइन को अपनी स्लीव पर ही बना सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग फैब्रिक ले लेना है और उस पर बुकरम यानी चिपकाने वाली जो पेस्टिंग पेपर होता है वो हमें पेस्ट कर लेना है। और इस तरीके से हमने यहाँ पर ये 2.5 इंच के स्क्वायर पीसेस कट कर लिए हैं रेड कलर में एंड प्रिंटेड में इस तरह से। एंड इस तरीके से हमें ट्रायंगल बना लेना है। एंड इस तरीके से हमें रेड जो हमारे स्कर्ट है उसका भी हमें ट्रायंगल बना के इस तरीके से एक लीफ तैयार कर लेनी है इस तरह से। और इसके ऊपर रखते हुए हमें सिल लेना है। इसी तरीके से हमें पीसेस तैयार कर लेने हैं। अब हमें ये पैच लेना है। और इस तरीके से इसके सामने ट्रायंगल की नोक को मिलाते हुए इस तरीके से हमें ट्रायंगल दोनों को आमने सामने रखते हुए स्टिच कर लेना है। और अब इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करते हुए हमें इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करके इसकी जो स्टिचिंग थी उसे इसके अंदर कवर कर देनी है, ये देखें। एंड इस पर टॉप स्टिच कर लेनी है। एंड अगेन इसके ऊपर ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके साइड का इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद हमें इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। यानी जो हमारी सिलाई है ये हमारी कवर हो जाएगी इस तरह से। एंड फिर अगेन इसके ऊपर भी टॉप स्टिच कर लेनी है। एंड अब हमें इन ट्रायंगल के बीच में जो हमें गैपिंग चाहिए वो हमें 1.25 इंच के करीब चाहिएगा। आप जब थर्ड ट्रायंगल रखेंगे तो 1.25 इंच का गैप दें इस तरीके से। मैंने यहाँ पर 1.25 इंच का गैप देते हुए ये ट्रायंगल इस पर स्टिच किए हैं। इसी तरीके से हमें आमने सामने इन ट्रायंगल को रखकर इस फैब्रिक पर स्टिच कर लेना है। अब हमारा ये पैच रेडी है, देखें। अब हम यहाँ पर 3 इंच चौड़ी एक फैब्रिक पट्टी लेंगे। एंड इस तरीके से पैच को उल्टा रखते हुए हमें इस फैब्रिक पट्टी को भी उल्टा रख लेना है और इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। एंड अब इसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसे कट करते हुए इसे राइट साइड इस तरीके से फोल्ड करके इस स्टिचिंग के ऊपर अगेन स्टिच कर लेना है इस तरह से। अच्छा, जब आप अपने ट्राउज़र की कटिंग करें तो ट्राउज़र को 5 इंच छोटा रखें और इस तरीके से हमें इसे स्टिच कर लेना है। और अब हम यहाँ पर अपने ट्राउज़र की मोहरी को राइट साइड से रखेंगे। ये हमारे ट्राउज़र की राइट साइड है। एंड पैच को उल्टा रखते हुए इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है।
तरीके से, है ना। इसके बाद हमें इस पर टोप स्टिच कर लेनी है। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको हमारे चैनल पर इस तरीके की न्यू एंड यूनिक डिज़ाइन देखने के लिए मिलेंगे। और अब हमें लास्ट में क्या करना है कि हमें अब बस को इस पर अटैच करना है इस तरीके से। एंड अब हमारे ट्राउज़र का फाइनल लुक ये तैयार हुआ है। अगर आपको हमारे डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।